आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माई जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके बीच में बाइबल के कुछ वचन लेकर के आया हूँ, और वो वचन सुबह सुबह जब उठते हैं तो वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, जिससे आपको अजय प्रार्थना का उत्तर मिले, प्रार्थना का जवाब मिले। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम सब सीखेंगे कि प्रार्थना सुबह कैसे करें और किस वचन के साथ करें, जिसका है जी हमें उसका उत्तर मिले, उस प्रार्थना का प्रतिफल हमारे जीवन में आए। तो जी मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैंने 5 मुख्य वचन को लिया है, जो सुबह सुबह उठते ही उस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता आपको उस प्रार्थना को जरूर जवाब देंगे। तो आगे को हम देर न करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि जो भी परमेश्वर का वचन और जो भी है जो आपका परमेश्वर के बारे में बताया जाए, वो अच्छी तरह से आप जान सके और परमेश्वर आप सबको ढेर सारे आशीष दे सके। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आगे को देर न करते हुए चलिए हम वचन को देखते हैं कि आज जो 5 मुख्य वचन है, जो सुबह सुबह हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वचन को पढ़ करके जिससे हमारा प्रार्थना का उत्तर मिले, ताकि हम देखते हैं। तो पहला वचन है फिलिपियों अध्याय 4:6 को देखते हैं। जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाए। हालेलुया। जी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है कि हम आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु हर एक बात में हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और उनसे विनती करें और उनसे निवेदन करें और धन्यवाद के साथ करें और उनके सम्मुख बैठ के प्रार्थना करें। जब भी मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं तो पिता को कहें, पिता धन्यवाद करते हैं, उनसे विनती करें, प्रार्थना करें और उनके सम्मुख बैठें, ताकि वो हम सबको है जे प्रभु है जे आशीष दे और हम सबको है जे दिन भर अच्छा से रखे। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे वचन को देखते हैं और दूसरा वचन मैंने लिया है भजन संहिता अध्याय 5:3, जिसमें कहता है परमेश्वर का वचन कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। जी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आपको परमेश्वर पिता से कहें कि हे पिता, हे मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे यहोवा, हम सुबह सुबह आपके वाणी को, अपने वाणी को आपको हम सुनाते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर, भोरे भोरे हमें आप है जे हमें अपनी प्रार्थना को, हमारी प्रार्थना को आप सुनिए और उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं पिता आपकी बाट जोता हूँ, मैं आपकी राह निहार रहा हूँ, मैं आपसे आशा लगा करके प्रभु बैठ रहा हूँ। प्रभु दिन भर आप सुरक्षा कीजिए और हर कामों को जो दिन भर आपको करना है, सारे कामों को यहोवा के ऊपर डालिए, सारे बोझों को प्रभु के ऊपर डालिए और कहिए कि प्रभु मैं तेरी बाट जोहूंगा। अगला वचन को मैंने लिया है और वो भजन संहिता है अध्याय 90:14 में कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। हालेलुया। जी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सुबह सुबह जब हम उठते हैं और बैठते हैं तो कहते हैं, मेरे परमेश्वर, भोर को अपनी करुणा से, अपने पिता आशीष से हमें तृप्त कीजिए, ताकि हम इस संसार में जब तक आप जीवित रखें, हम पूरे जीवन भर आपके नामों की जय जयकार करते रहे और आनंद करते रहे। इस तरह से प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से। जी मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने अगला वचन को लिया है, वो भजन संहिता 143:8 में कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ ही पर भरोसा रखा है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर पिता से कहे कि हे परमेश्वर पिता, हमें आप अपनी बातों को हमें बताइए, शीघ्र बताइए, और जो रास्ता पे हमें दिन भर चलना है उस रास्ता पे आप हमें अगुवाई कीजिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हम आप पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पिता हम आपके पीछे चलते हैं। इसलिए प्रभु जी आप हमें दिन भर की रास्ता को बताइए और दिन भर के जो काम है उस कामों में हमें अगुवाई कीजिए।
क्योंकि परमेश्वर पिता हम आपकी ओर अपने मन को लगाते हैं। इस तरह से मेरे मसीह भाई बहनों सुबह सुबह वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। मैंने अंतिम वचन लिया है, वो भजन संहिता अध्याय 23 के एक पद में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, परमेश्वर पिता के सम्मुख बैठे और कहें, परमेश्वर पिता आप मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी ना हो। प्रभु आप हर चीज़ों को हमें पूरा कीजिए और दिन भर आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे आनंद में और तेरी शांति में और तेरे आशीष में दिन भर तेरे नामों की जय जयकार करते रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पांच मुख्य वचन को पढ़ें, नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह उठें और पढ़ें और प्रार्थना करें और देखें कि आपको जरूर है जो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आज के जो पांच मुख्य वचन है जो आपने सुना और परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, हम विश्वास करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप इसी तरह से हमेशा हमारे वीडियो को देखते रहिए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपको आशीष करें और आपके जीवन में काम करें। तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने वीडियो को देखा और अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।